होगी ही, उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना फेसबुक ट्विटर के माध्यम से आपसे जुड़ा जाए और वन एंड वन कॉन्वर्जेशन की जाए। तो 12:30 के बुलेटिन में हम किसानों से जुड़े मुद्दे पर बात करेंगे, उस खबर पर बात करेंगे और उसी पर थोड़ी विस्तार से बात करने के लिए, आपकी राय जानने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि न्यूज़ इज़ लाइक वन वे कम्युनिकेशन और ये प्लेटफॉर्म इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, जहां मैं कुछ बात करती हूँ तो कॉमेंट्स के ज़रिए या आप जो भी नीचे मैसेजेस भेजते हैं फेसबुक और ट्विटर में लाइव के थ्रू, उसमें आपका भी आपकी बात, आपकी राय भी जानने को मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बुलेटिन से पहले आपसे बात की जाए और फिर उसके बाद अपना 12:30 का बुलेटिन करने के लिए मैं जाऊं। तो वो प्लेटफॉर्म मैं एक बार खोल लेती हूं जहां पर आपके लाइव अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे। आप भेजिए अपने मैसेजेस, अपनी राय, अपने सवाल, तब तक इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल खबर बहादुरगढ़ से सामने आई है। आज सुबह सुबह जब मैं ऑफिस आई तो मैंने ये खबर पढ़ी, एक बेकाबू ट्रक ने सुबह लगभग 6 बजे के करीब झज्जर रोड पर कुछ महिलाएं डिवाइडर पर बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई वो महिलाएं हैं अपने घर जाने के लिए या किसी दूसरी जगह जाने के लिए वो इंतज़ार कर रही थी, और एक बहुत ही स्पीड से बेकाबू ट्रक आया और उस ट्रक ने उन महिलाओं को कुचल दिया। तीन महिलाओं की मौत हो गई है, 3 अस्पताल में भर्ती हैं फिलहाल, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है और कुछ कहना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलाज के बाद ही पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है। लेकिन वो ट्रक वाला कौन था, क्या उसके को लेकर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी। हालांकि वो फरार हो चुका है लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, जैसे ही उसका पता चलेगा उसकी खबर भी हम आपको देंगे। तो ये जो महिलाएं हैं ये पंजाब के मानसा ज़िले की रहने वाली हैं और इस पर अब राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट आया है। बहुत ही दुखद हादसा है, इस दुखद हादसे पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके क्या बोला है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, उसके बाद इस खबर पर और इस किसानों से जुड़ी एक और खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत माता देश की अन्नदाता को कुचला गया है, ये क्रूरता और नफरत हमारे देश को और खोखला कर रही है, मेरी शोक संवेदनाएं। हालांकि बहुत ही पॉलिटिकली उन्होंने ये ट्वीट लिखा है। अब जब उस आरोपी को पकड़ा जाएगा जो ट्रक चला रहा था जिसने इन महिलाओं को कुचला, जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन क्या किसी इंटेंशन से ऐसा हुआ फिलहाल इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी है। और जो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है उसमें वो एक तरह की इंटेंशन दर्शा रहे हैं। मैं किसी के भी फॉर या अगेंस्ट में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ट्वीट का मतलब आपको समझा रही हूँ। एक बार फिर से आप ये ट्वीट सुनिए, भारत माता देश की अन्नदाता को कुचला गया है, ये क्रूरता और नफरत हमारे देश को खोखला कर रही है, मेरी शोक संवेदनाएं। बहरहाल ये जांच का विषय है, क्या किसी ने इंटेंशनली ऐसा किया, क्या ये एक्सीडेंट था या क्या ट्रक ड्राइवर की आंख लग गई और वो गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई, या ट्रक ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा था। देखिए गलती तो ट्रक ड्राइवर की है, अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी लेकिन उसकी इंटेंशन पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि लगातार ये मैटर बहुत पॉलिटिसाइज हो रहा है और जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके लिए इसकी भरपाई कोई कर नहीं पाएगा, किसी तरह का मुआवजा, किसी तरह का पैसा, किसी तरह की कोई दूसरी मदद आप उनके परिजनों को वापस ला नहीं पाएगी, वो सब छोटी होंगी। बहरहाल पुलिस की जांच में इस खबर पर जो पूरा अपडेट है वो मिलेगा और इस खबर की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस मामले की तो पर दर परत जो इंटेंशंस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी क्लियर होंगे। एक और खबर है, ये भी किसानों से जुड़ी हुई है। दरअसल कल आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किसानों और पुलिस की झड़प हुई। ये सिंघू बॉर्डर वाले किसान नहीं थे बल्कि ये हिंद मजदूर किसान समिति से जुड़े हुए संगठन से जुड़े हुए किसान थे। ये सिंघू बॉर्डर जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने इन्हें सिंघू बॉर्डर जाने से रोक दिया, इन्हें सिंघू बॉर्डर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। संभवतः ये भी कहा जा रहा था कि अगर वहाँ ऑलरेडी एक किसानों का प्रतिनिधिमंडल बैठा हुआ है, अब ये दूसरा संगठन जाएगा तो उन दोनों में कहीं क्लैश ना हो जाए और माहौल बहुत ख़राब ना हो जाए, तो उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए, उस तरह के हालातों से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। बहरहाल कल जब इस संगठन के किसानों को रोका गया तो पुलिस और किसानों की भी झड़प हुई, कुछ लोग घायल हुए हैं ऐसी भी खबरें सामने आई, वो तस्वीरें भी आपने टीवी पर देखी होंगी।
ये जो किसान समिति है ये सिंघू बॉर्डर इसलिए जाना चाह रही थी क्योंकि ये लखबीर के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके परिजनों के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इसके अलावा ये एक शांति हवन भी करना चाहते थे। अब आपको लखबीर भी याद होंगे, कुछ रोज़ पहले एक तस्वीर सामने आई थी, बहुत ही विचलित करने वाली, बहुत ही भयावह तस्वीर थी कि एक व्यक्ति के हाथ काट दिए गए हैं और इतना हिस्सा काट दिया गया है और उसको उसके बचे हुए हाथों को बैरिकेड्स में बांध के वो व्यक्ति लटक रहा है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें दिखाना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, लेकिन आपने सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत वायरल हुई थी वो तस्वीर देखी होगी। तो उसी लखबीर के परिवार के लिए इंसाफ की मांग के मद्देनज़र ये समिति, हिंद मजदूर किसान समिति, प्रदर्शन करने के लिए सिंघू बॉर्डर जाना चाहती थी। हवन ये लोग करना चाहते थे, शांतिपूर्ण हवन आत्मा की शांति के लिए। साथ ही इनकी कुछ मांगे हैं, इनकी मांगे हैं कि लखबीर के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन कल इन्हें नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में ही पुलिस द्वारा रोक दिया गया। आज एक बार ये फिर से कोशिश करेंगे सिंघू बॉर्डर की तरफ जाने की, उधर बढ़ने की। अब आज का दिन भी बहुत ही अहम रहने वाला है इस लिहाज से कि क्या वो आगे पहुंच पाएंगे, क्या उन्हें आगे जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा, क्या किसी भी अप्रिय घटना को पहले ही रोक लिया जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, अगर ये उधर पहुंच गए तो जाहिर सी बात है क्लैश होगा। बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारे व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं फटाफट आपकी राय, आपके कॉमेंट्स एक बार पढ़ लेती हूँ। देखिए, हम मेरी कोशिश ये है कि हम इस मुद्दे पर ही स्टिक रहें, इसी मुद्दे से जुड़े मैं कमेंट्स आपके पढ़ूंगी। बहुत और तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं जो मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं करूंगी। आप भेजिए लेकिन मैं शामिल नहीं करूंगी। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप अपनी राय रखिए। बहुत सारे लोगों द्वारा जय श्री राम कहा जा रहा है, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, आई सपोर्ट फार्मर ये लिखा जा रहा है। गुड आफ्टरनून, हाय पुष्पेंद्र राजपूत। देखिए, आप अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी है आप वो दे सकते हैं, जो आज सुबह भादुरगढ़ में हुआ, झज्जर रोड में जो हुआ, अगर आपने कुछ विटनेस किया या आपके मोबाइल में कोई ऐसा वीडियो आया वो हम तक आप पहुँचा सकते हैं। हम उसकी जाँच करके फिर आगे उसे वेरीफाई करेंगे। लेकिन ये जो भी हुआ है ये बहुत दुखद हुआ है। हाय संजन यादव, हाय पुष्पेंद्र राजपूत। और इसी खबर पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। हमारी कोशिश ये भी होगी कि हमारे संवाददाता, अगर उनके पास इन खबरों पर कुछ डिटेल है, कुछ अपडेट है, वो हमारे साथ जुड़े, हम उनसे और इस खबर पर डिटेल्ड रिपोर्ट लेंगे, डिटेल्ड अपडेट लेंगे। और मैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो आ नहीं रहे हैं और आप इस टॉपिक पे बात कर नहीं रहे हैं, मैं दूसरे टॉपिक्स को शामिल करूंगी नहीं, तो मैं अपने लाइव को यहीं वाइंड अप करती हूँ। 12:30 बजे फिर आपसे इंडिया टीवी पर मिलेंगे इसी खबर पर, और जो भी डिटेल्ड जानकारी है, जो भी हमारे पास अपडेट्स हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच, सी यू।